हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बना रहे हैं मूंग दाल का डोसा, या इसे प्रोटीन डोसा भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, इजी भी है, टेस्टी भी है, और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं चैनल ट्रेलर के बाद। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मूंग दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, हरी मूंग दाल। और इसके साथ मैं ले रही हूँ अदरक और मिर्च। तो दाल को अच्छी तरीके से धो लीजिए 2 से 3 बार। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, और थोड़ा सा अगर आपको लगता है पानी तो वो भी डाल लीजिए, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ नमक ज़रा सा। हाँ, बस इसे अब हम कर लेते हैं ग्राइंड, और एक फाइन पेस्ट देखिए हो गया है रेडी। ये देखिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, क्योंकि हमें डोसा बनाना है तो इसके लिए हमें जो बैटर लगेगा ना, थोड़ा सा पतला लगेगा। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो बस इसमें हम डाल देते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि है हींग, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें बस हरा धनिया। बाकी इसके अलावा मैं इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था तो वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं तवा गरम करने के लिए रख देती हूँ गैस पर, और मैं नॉनस्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हमें तेल लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तवा बिल्कुल गर्म हो गया है, तो बस अब मैं इसमें डालती हूँ हमारा बैटर, और बस इसे थोड़ा सा इस टाइम पर जल्दी जल्दी से हम फैला देते हैं। अगर हम तेल नहीं डालते हैं ना, तो देखिए ये अच्छी तरीके से फैल जाता है, अगर हम तेल डालते हैं तो उस पर चिपक जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से, अभी मैंने गैस बिल्कुल फुल पे रखी हुई है, जब आप ये बैटर डालें तो उस टाइम पे बिल्कुल फुल रखिए। और बस इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो बस अब बारी आती है इसे पलटाने की, तो कॉर्नर से अच्छे तरीके से इसे निकाल लेती हूँ मैं। तो बस ये देखिए अच्छा कलर, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो सेकंड साइड भी फटाक से हाई फ्लेम पे हल्का सा डैप कर करके इसे हम सेक लेते हैं। तो ये देखिए फटाफट से रेडी हो गया है। तो मूंग की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप वो ज़रूर ध्यान से देखिए, और इस मूंग दाल की डोसे की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंजॉय दिस हाई प्रोटीन डोसा रेसिपी। तब तक बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर।